जी गोपाल, कल जो लाडू बनाया था वो बचा है, कल 2.5 क्विंटल के बनाए थे, आज फिर वैसे तो 5-7 दिन से लाडू जिमाया जा रहा और लगभग अगली पूर्णिमा तक लाडू जिमाने का इरादा है, बाकी गौ भक्तों पे है क्योंकि बर्थडे कमज़ोर ज़्यादा है। आज नरेश जी गौ भक्त पधारे हुए हैं, ये देखो छोटे छोटे बच्चे हैं, इन सबको ऐसे लाडू जिमा रहे हैं, हल्दी वगैरह पूरा मटेरियल जो 20-25 हज़ार का लाए थे इनके पौष्टिक आहार, जो इसे संदाना मानो कुछ भी मानो, ये देखो ऐसे बड़े प्यार से जीम रहे हैं। डेली का 1 क्विंटल का लमसम लाडू जाता है, यानी 200 बछड़े 500 ग्राम का एक लाडू इनको जाता है, और ज़्यादा कमज़ोर है उनको अलग से लाडू हाथ से जिमाया जाता है, और बाकी जो सामूहिक जीम रहे हैं उन लावकड़ जी, उनको नरेश जी पधारे हुए हैं, नरेश जी अपने हाथों से आज लाडू जिमा रहे हैं। हल्दी है, तिल है, मूंग है, मोठ है, जौ है, खड़ है, तेल है, गुड़ है, गूंद है, आंबा हल्दी है, यह सभी मिश्रण करके ताकि इनको पौष्टिक आहार मिल जाए, और इनका रिजल्ट ये हुआ 24 बैठे थे, प्रतिदिन खड़ा करना पड़ता था, आज 2 बैठे, अभी सब पैरों पे खड़े हो गए, यह इनका सीधा रिजल्ट है, जो 7-8 दिन से जिमा रहे हैं और खड़ा करने के बाद वो अपने पैरों पे हिम्मत पकड़ लेते हैं। और ये गौ माता जो बछड़े को छोटा बछड़ा साथ में आई थी उनको भी पौष्टिक आहार दिया जाता है। और ये जो एक अरना है गोलिया से बछड़े को लाए थे, ये भी खड़ा हो रहा है पैरों पे, और इनको भी पौष्टिक आहार दिया जाता है, लगभग भगवान करे 1-2 दिन से खड़ा हो जाएगा। और ये सभी ये देखो आप और पौष्टिक आहार लेके जा रहे हैं, आज के तो 80 किलो जिमा दियो, 80 किलो। ये सभी छोटे छोटे बछड़े हैं, आज थोड़ा 20 किलो कल का बचा हुआ था, वही आज नया नहीं बनाया तो थोड़ा 20 किलो कम था, नहीं तो 1 क्विंटल का पूरा बनाते हैं, शाम को क्विंटल का बना देंगे जो कल काम आ जाएगा। कभी गौ भक्त जी ज़्यादा आते हैं, क्या है कि 1-2 गौ भक्त होते हैं, क्विंटल का ही मिश्रण बड़ी मुश्किल से कर पाते हैं, अगर गौ भक्त 2-4 मिल जाते हैं तो 2 क्विंटल का ही साथ में कर देते हैं मिश्रण, क्योंकि इसको सबको मिश्रण करना पड़ता है, इसीलिए आप सभी दानदाताओं के सहयोग से यह ऐसे छोटे छोटे बछड़े जीम रहे हैं। उधर वो गौ माता है, जय गौ माता, जय गोपाल।